आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको लगाते ही आपके चेहरे पे एकदम चमक आ जाएगी और सुपरबली आपका चेहरा ग्लो करेगा। ख़ास तौर पे ये ठंडी के मौसम में बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठंडी के मौसम में हमारा चेहरा एकदम से मुरझा जाता है ना, ऐसा लगता है ना कि चेहरे पे बिल्कुल ही जान नहीं है, तो आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस पे कमेंट्स आए थे कि हम अपने चेहरे पे ग्लो किस तरीके से लेके आए, ख़ास तौर पे ठंडी के मौसम में हम अपने चेहरे पे ग्लो कैसे लेके आए। तो बहुत ही आसान मैं आपको उपाय बताने वाली, बहुत ही आसान है। आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे ये चीज़ें इससे हमारे चेहरे पे चमक आ सकती है। हाँ आ सकती है, मैं सालों से इसको इस्तेमाल करती आई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये लगता है और ये सुपरबली अच्छे से काम करता है। ख़ास तौर पर अगर आपकी स्किन यानी कि आपका जो चेहरा अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, खुश्क है, तो ऐसे में तो ये काम करेगा ही करेगा, लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल या तेली है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट है। पहले मैं आपको बताती हूँ वो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, वो है ये, हाँ जी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन। देखिए इसमें अलग अलग आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पे सवाल आए थे इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो देखिए इसमें ये खासियत है कि इसमें ज़्यादा तेल नहीं होता। अगर आप बेबी क्रीम लेंगे ना तो वो थोड़ा सा चिकनाहट वाला होता है, लेकिन अगर आप ये लेंगे मॉइस्चराइजिंग क्रीम इसको बोल सकते हैं, आप एज अ डेली मॉइस्चर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बेबी लोशन लेके आना, ये पिंक कलर की बॉटल में ही आता है, ठीक है, ये आपको लेके आना। अब इसमें आपको एक चीज़ मिलानी है जो कि मैजिकली अच्छे से काम करेगी। आपको क्या करना है, इसमें इस्तेमाल करना है ये वैसलीन, बस ये आपको लेना है। अब इसको किस तरीके से लेना है देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हो गया, देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा आपको ये क्रीम लेना है। अब उसमें ये हल्का सा ये आप वैसलीन मिला देंगे, ये देखिए मामूली सा, और इस तरीके से आप इसको हाथ में लेके मिक्स करेंगे, ठीक है, ये मिक्स कर दें, हाथों को रब कर लें और अच्छे से इसको चेहरे पे आप इसको लगा दें। ये अभी डायरेक्ट मैं देखिए लगा रही हूँ आपके सामने, देखिए मेकअप नहीं है, देखिए अगर होता तो मेकअप भी से निकल जाता। मैं मेकअप बेस पे कभी स्किन पे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यही लगाती हूँ। नॉर्मल मैं पूरे साल ये बेबी लोशन लगाती हूँ, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें इस तरीके से मैं वैसलीन ये मिला के इस तरीके से लगाती हूँ। और हमेशा ना मसाज आप ऊपर की तरफ करें, ठीक है, इस तरीके से आपको मसाज ऊपर की तरफ ही करना है। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से और बाकी जो बचा है उसको आप हाथों पे इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से हाथों पे भी लगाएंगे ना तो आपके हाथ भी एकदम नरम मुलायम हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट हाथ हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, चेहरों पे ग्लो आ जाए, तो देखिए बस ये दो चीज़ें मिक्स करके आप लगा दीजिए। ये ठंडी के मौसम में भी लगा सकते हैं, बारिश के मौसम में भी लगा सकते हैं। अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो ऐसे में भी, या फट जाते हैं तो ऐसे में भी ये वैसलीन बहुत अच्छे से काम करेगा। रात को अपने होंठों पर लगा के आप सो जाएँ, यहाँ तक कि आपके पैरों में क्रैक्स आ जाते तो क्रैक्स पे भी आप हल्का सा ये वैसलीन आप लगा दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से जादुई तरीके से ये काम करता है। एक बार ये जो मैंने आपको बताया करके तो देखिए, बहुत ही जल्द आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी स्किन एकदम चमकने लग गई है और आपकी स्किन एकदम मुलायम और अच्छी हो गई है, एकदम बेबी सॉफ्ट और एकदम मुलायम मुलायम स्किन हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए देख रहे हैं चेहरे पर, देखिए ग्लो आ गया। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें लगाई आपके सामने, देखिए इंस्टेंट ये ग्लो आ जाता है चेहरे पर, है ना। तो ये आप ज़रूर से लगाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मेरे ओरिजिनल चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।